लीविंग समबडी इन द लर्च मीन्स किसी को उस वक्त छोड़ना जब उसको आपकी सबसे अधिक जरूरत हो या जरूरत हो या वो किसी परेशानी में हो. यू लेफ्ट मी इन द लर्च मीन्स आई नीडेड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत थी एंड यू लेफ्ट मी इन द लर्च, और आपने मुझे छोड़ दिया, मतलब आप वहाँ पर नहीं रहे मेरे साथ. अ गुड फ्रेंड विल नेवर लीव यू इन द लर्च, एक अच्छा दोस्त जो सच्चा होगा वो आपको कभी भी बुरे वक्त में नहीं छोड़ेगा. बट अ फेयर वेदर फ्रेंड विल लीव यू इन द लर्च, लेकिन मतलबी दोस्त आपको बुरे वक्त में छोड़ देगा. अ फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स वो दोस्त जो आपके अच्छे समय में सिर्फ आपके साथ रहे और बुरे वक्त में वो छोड़ के चला जाए. तो फेयर वेदर फ्रेंड हम उस इंसान को कहते हैं जो किसी के साथ तब तक रहता है जब तक तो उसका समय अच्छा चल रहा है, बुरे वक्त में वो छोड़ के चला जाता है. तो दो idioms यहाँ पर हो गए, अ फेयर वेदर फ्रेंड और एक लीव somebody इन द लर्च. दोनों को मिला करके एक सेंटेंस में अगर आप यूज करें, अ फेयर वेदर फ्रेंड विल लीव यू इन द लर्च, मतलब एक मतलबी दोस्त आपको बुरे वक्त में साथ आपका छोड़ देगा.